नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज मैं आपको 8 नवंबर मंगलवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ग्रहण को ग्रस्त उदेखक ग्रास चंद्र ग्रहण कहेंगे। इस भूमंडल पर यानी इस पृथ्वी पर यह ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार को दोपहर 2:39 पर दिखाई देना प्रारंभ होगा और इसी दिन शाम को 6:20 पर समाप्त होगा। भारत के अलग अलग राज्यों का अलग अलग समय रहेगा। जम्मू कश्मीर में यह ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार को शाम 5:30 पर प्रारंभ होगा यानी दिखाई देना शुरू होगा और इसी दिन शाम को 6:20 पर समाप्त होगा। कुल अवधि इस ग्रहण की 50 मिनट की रहेगी जम्मू कश्मीर में और ग्रहण का सूतक इसी दिन 8 नवंबर मंगलवार को सुबह 8:30 पर प्रारंभ होगा। सूतक काल के पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, वहां पे कुशा अथवा तुलसी के पत्ते रख दिए जाते हैं और खाने पीने की वस्तुओं में जैसे आटा चावल सूखा राशन है, जैसे दूध है दही है मुरब्बा है अचार है, पानी में कुशा अथवा तुलसी के पत्ते डाल दें। और सूतक काल में बालक वृद्ध रोगी गर्भवती महिलाएं भोजन कर सकती हैं और ग्रहण काल में अन्न ग्रहण किसी को भी नहीं करना चाहिए, कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं ने विशेष ध्यान रखना है, उन्होंने नाखून बाल फल सब्जी कपड़ा आदि नहीं करना चाहिए और घर में एकांत में बैठकर चंद्रमा की छाया उन पर नहीं पड़नी चाहिए। भगवान चंद्रमा के मंत्र स्तोत्रों का पाठ करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और ग्रहण काल में हम सभी को पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। नदियों में नहीं जा सकते, घर में पानी में गंगा की जल डालकर स्नान करें और दान पुण्य अवश्य करें। भगवान चंद्रमा के जो भी मंत्र स्तोत्र आते हैं उनका पाठ करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें और कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वयं भी साफ जल से स्नान करें गंगा जल डालकर, और मंदिरों में घरों में गंगा जल का छिड़काव करें और आचमन भी करें। और बालक वृद्ध रोगी गर्भवती महिलाएं गर्म पानी से स्नान कर सकती हैं, जो अच्छे जिनका स्वास्थ्य ठीक है उन्हें ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। और एक मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ ना कुछ जो घर के आसपास जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दान अवश्य करें और कोई भी पाप कर्म नहीं करें। जय माता।